हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल के दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज जिस आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस कंट्री का जो है प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं जैसा भी यार सिलेक्टेड है, इलेक्टेड है तो पीएम, मतलब कहीं पे भी जाता है, जो गिने चुने देश हैं जहाँ ये जाता है तो यही जाता है, तो रिप्रेजेंट करता है आतंकिस्तान को, तो जैसा भी है तो पीएम। सो फॉर द टाइम बिंग हम मान लेते हैं वो पीएम है। वो अपने नेशनल असेंबली में, पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलता है कि ओसामा बिन लादेन जो था वो बेसिकली शहीद हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि वो एक टेररिस्ट नहीं था। जब शहीद कह रहा है तो टेररिस्ट नहीं था, मतलब उसने कोई क्राइम नहीं करा था। आज इस वीडियो में उसी की जो बहुत बड़ी चमची मैं कहूँगा, मतलब बटरिंग करने में इसका मतलब आई थिंक अगर क्या बोलते हैं ऑस्कर नॉमिनेशन होता तो इसे मिल जाता। बहुत ही बढ़िया लेक्चर देती है, बट वो कहते हैं ना कि लेक्चर देने में अच्छा तो लगता है, मतलब कोई लेक्चर दे रहा तो ठीक है, सुन भी लेगा आदमी, अगर उसके पीछे कुछ फैक्ट्स हों तो आदमी सुन सकता है। इसके जो फैक्ट्स होते हैं इसकी कंट्री की तरह, इसके जो इसका जो देश है उसकी तरह सब जाली हैं, कोई मतलब नहीं है उनका, बिना सिर पैर की बातें कुछ लंबी लंबी छोड़ती रहती है, लंबी लंबी गप्पें करवाले सिर, कोई मतलब ही नहीं है जिनका। अब इस वीडियो में जो है वो जो टेररिस्ट था बुरहान वानी, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूँ, जो जेएनके में टेररिस्ट था, जो जिसको हमारी आर्म फोर्सेस ने मार दिया था, आज वो कह रही हैं कि वो 2016 में उसकी डेथ हुई थी और आज 4 साल के बाद वो उसकी क्या मना रही है, डेथ एनिवर्सरी मना रही है। बताओ, ये तो हाल है इस देश के। तो वही है, मतलब इस देश से कोई एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता कुछ, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेज पर आज उसको कोई पूछता नहीं है। दूसरी बात, पहली बात तो ये थी, दूसरी बात ये है कि भीख पे जो देश चल रहा है, मतलब जिसने इसके मुंह पे पैसे फेंक दिए उसकी जय जयकार करना शुरू कर देता है, यही बकवास कर रहे हैं ये। बट यहाँ की जो मतलब जो मीडिया है अपनी पब्लिक को एक बबल होता है ना, उसमें मतलब रखा हुआ है उन्होंने कि हाँ एक नैरेटिव फैलाओ, एक प्रोपेगेंडा फैलाओ। और फिर इसने थोड़ा बात कुलभूषण जाधव की भी करी, जिनको इन्होंने सो कॉल्ड जो स्पाई के केस में अरेस्ट किया था और फिर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया ने चैलेंज किया था, उसको वो हार गए थे वहाँ पे। 15 जो जजेस थे उनका जो रिजल्ट आया था, जो जस्टिस आया था, वो इंडिया के फेवर में था, लेकिन ये कह रही है कि वहाँ पाकिस्तान जीत गया। अब पता नहीं इनके लिए जीत और हार का क्या मतलब है, मुझे ये समझ नहीं आता। या तो ये पागल है, या इसकी देश की जो पब्लिक है वो पागल है, वो तो लगती है मुझे, या तो ये दुनिया को पागल समझ रही है। लेकिन दुनिया वाले कोई सुनते नहीं है, लेकिन हम तो इनकी जो औकात इन्हें दिखाएंगे, इसलिए हम तो बोलेंगे। तो आप देखिए वीडियो, फिर कैसी लगी आपको बताना कमेंट में। थैंक यू सो मच। 8 जुलाई 2016, ये वो दिन था जब मकबूजा कश्मीर का एक बेटा जिसका नाम बुरहान वानी था, आज़ादी की जुदोजहद करते हुए भारतीय फौज के हाथों जामे शहादत नोश कर गया। बुरहान वानी की शहादत ने मकबूजा कश्मीर के आवाम में आज़ादी की एक नई रूह फूंक दी, और उसके बाद मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया। भारतीय फ़ौज के जुल्म और बर्बरियत के आगे मकबूजा कश्मीर के नहत्ते आवाम किसी तौर हार मानने को तैयार नहीं। भारत बुरहान वानी को एक फ़र्द समझ रहा है। आज ज़रा भारत गौर से सुन ले, बुरहान वानी को भारत एक फ़र्द समझ रहा है, जबकि बुरहान वानी एक फ़र्द नहीं, एक किरदार है। ये वो किरदार आज मकबूजा कश्मीर में रहने वाला हर बच्चा, बूढ़ा, माँ, बहन, बेटी, जवान अपने अपने तौर पर अदा कर रहा है, बड़ी ईमानदारी के साथ। भारत जो मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए कभी पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी करता है, कभी अपने जासूस पाकिस्तान में भेजकर अमनो अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश करता है, उसी के एक जासूस जिसको पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया कुलभूषण यादव ने अपनी सजा के खिलाफ नजर सानी की अपील दायर करने से इनकार कर दिया, और उसके बजाय उसने अपनी जेरे इल्तवार रहम की अपील पर जवाब के इंतजार का फैसला किया। अच्छा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान ने डायरेक्टर जनरल जनूबी एशिया साख जाहिद हफीज के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, और उनका यह कहना था कि आलमी अदालत इंसाफ में जो केस पाकिस्तान ने जीता था उसके फैसले के अहम नुकात में ये बात भी शामिल थी कि वियना कन्वेंशन बराए कौंसलर रवाबित की दफ़ा 36 के तहत कुलभूषण यादव को उनके हकूक के बारे में बताया जाए। इसके अलावा वो फैसले में ये कहा गया कि जी कुलभूषण केस पर जो मौसर नजर सानी है उसके लिए तमाम तर इकदाम भी उठाए जाएं, जिसमें अगर ज़रूरत पड़े
तो कानून साजी का नफाज भी शामिल हो और जब तक मौसर नजरसानी और दोबारा गौर मुकम्मल ना हो जाए उस वक्त तक फांसी की सजा को रोक दिया जाए।